हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मॉलिक्यूल चैनल। सो मेरा नाम अभिषेक और मैं आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रॉयल एनफील्ड का मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने चैनल पर डाल चुका है रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड, तो ये भी वीडियो होगा एक रॉयल एनफील्ड के ऊपर होगा। सो ये गाइस, ये मॉडिफिकेशन किया गया है रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा जो कि 2013 का मॉडल है और इसको मॉडिफाई किया है नीव मोटरसाइकिल्स ने। और सीरियसली बता रहा हूँ, नीव मोटरसाइकिल्स का कोई भी मॉडिफिकेशन देखो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। स्पेशली अगर इस बाइक के बारे में बात करें तो इस मॉडिफिकेशन नाम दिया गया है शानदार, और सच में आप देखोगे तो आपको पूरा शानदार ही लगेगा। स्पेशली इसका कलर देखिएगा और इसका जो फ्रेम इन्होंने डिजाइन किया, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जॉस्ट है, आप इसका एग्जॉस्ट देखोगे तो पूरी तरह से एक अमेरिकन जैसे क्रूजर्स बाइक्स में आपको एग्जॉस्ट मिलता है उस तरह का इसमें एग्जॉस्ट का यूज किया गया है। सो बाइक ओवरऑल पूरी बहुत अच्छी दिख रही है। सो अगर रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा, क्या अच्छा लगा इस मॉडिफिकेशन में आपको। सो जो भी आपकी बात हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, ये है मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350cc। आप देख सकते हो इसको एक बॉबल स्टाइल में मॉडिफिकेशन किया गया है। यदि हम चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो इसका आपको टायर आएगा, इसमें आप देख सकते हो इसका जो रॉयल एनफील्ड टायर्स को चेंज करके एक थिक टायर का यूज़ किया गया है, और मैक व्हील्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा बल्की लग रहे हैं। मतलब ये एक बाइक को थोड़ा सा बल्की लुक दे रहा है, देख सकते हैं इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसका जो फ्रंट है ये दोनों टायर्स हैं। अब फ्रंट का हेडलाइट को पूरी तरह से चेंज किया गया, आप देख सकते हैं इसमें LED का हेडलाइट का इस्तेमाल किया गया जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और सामने आपको एक काउल जैसा दिखेगा जो कि एक हेडलाइट को पूरी तरह से मतलब कंप्लीट लुक दे रहा है। मतलब बाइक अब दिखने में थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, यूजुअली मतलब जो अमेरिकन क्रूजर स्टाइल की बाइक होती है उस तरह का बाइक यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको देखेगी इसका जो एग्जॉस्ट है, जिसका एग्जॉस्ट है पूरी तरह से आफ्टर मार्केट कस्टम लगाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा बल्की है और अच्छा भी दिख रहा है। मतलब बाइक में एक स्टैंडर्ड ही अलग दिख रहा है, मतलब एक रॉयल एनफील्ड का जो एक सिंगल पाइप वाला एग्जॉस्ट होता है इसमें डुअल टाइप का इसमें एग्जॉस्ट देखने मिल रहा है जो कि बहुत ही हैवी है और बाइक को बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएगी आपको ये ओवरऑल मॉडिफिकेशन इस रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350cc में कैसा लग रहा है। यदि हम और भी चेंज की बात करें, इसका सीट पूरी तरह से कस्टम चेंज किया गया, आप देख सकते हैं इसका सीट पूरी तरह से मॉडिफाई दिया है, और पिलन के लिए आपको बैकरेस्ट भी यहाँ पर देखने मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसका हैंडल बार भी चेंज किया गया है, एक नॉर्मल क्रूजिंग स्टाइल का हैंडल बार इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट एंड द रियर जो इसका फेंडर्स हैं उसको भी कस्टम बिल्ड किया गया है। अगर हम इसमें साइड मिरर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आफ्टर मार्केट साइड मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो सामने से देखो या पीछे से देखो बाइक ओवरऑल मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका प्लस पॉइंट आप इसे बैकरेस्ट देखिए कितना अच्छे तरीके से, मतलब आपको क्रूजिंग करोगे तो भी आपको सीटिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। प्लस साथ में इसका जो वाइड हैंडल बार है वो भी बहुत ज़्यादा आपको आराम देगा इस बाइक में। आप देख सकते हैं इसका व्हील कितना ज़्यादा मोटा है और ठीक है, उसका जो मैक व्हील्स इसमें है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही मतलब एक आई कैची थोड़ा लुक दिख रहा है, इतना हैवी ड्यूटी बाइक ये देखने में लग जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।